हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिक्षा सो गाइस वी आर हेयर विद अनदर सोशल प्रोटेक्शन वेलफेयर स्कीम और जो स्कीम हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में छोटी सी स्कीम है हार्डली टू थ्री मिनट्स का ये वीडियो होगा सो वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वेरी सिमिलर टू द स्कीम्स दैट वी टिल नाउ तो फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं तो ये तो आपको आइडिया लग गया है कि ये स्कीम बिकॉज द टर्म बीमा इज देयर बीमा क्या होता है बेसिकली इंश्योरेंस ठीक है तो इंश्योरेंस रिलेटेड ये स्कीम है और इंश्योरेंस किस चीज से रिलेटेड है वो हम देख लेते हैं तो 18 से सत्तर एज ग्रुप के लोग इस स्कीम में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं बैंक अकाउंट जिनका भी है ये एनुअल स्कीम uh, है दिस इज नॉट लाइक अ पेंशन स्कीम जिसमें आपको हर साल प्रीमियम दोगे तो लास्ट में आपको 60 की एज के बाद पेंशन मिलेगा दिस इज लाइक जैसे आप अपनी गाड़ी की अपनी हेल्थ की इंश्योरेंस कराते हो हर साल आप इंश्योरेंस लेते हो और अगले साल आपको फिर से पेमेंट करना पड़ता है अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपकी इंश्योरेंस खत्म हो जाती है ठीक है तो एक जून से इकतीस मई का इसका कवरेज पीरियड रहता है एक जून से पहले पहले आपको पेमेंट करनी होती है एनुअल रेन्यूअल बेसिस के ऊपर इसके अंदर रिस्क कवरेज जो है वो आपको दो लाख रुपए का मिलता है अगर आपकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट तो बेसिकली ये रोड एक्सीडेंट्स से रिलेटेड अगर कोई जो इंजरी वगैरह होती है या डेथ होती है उससे रिलेटेड कवरेज प्रोवाइड करती है दो लाख रुपए अगर आपकी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है और अगर आपको डिसेबिलिटी हो जाती है फुल डिसेबिलिटी ठीक है आप फुल्ली डिसेबल हो जाते हो आपकी बॉडी जो है वो कवर नहीं काम नहीं कर पाती है तो उसमें भी आपको दो लाख रुपये मिलेंगे अगर पार्शियल डिसेबिलिटी है तो एक लाख रुपये मिलेंगे तो डेथ और फुल डिसेबिलिटी में दो लाख रुपए मिलेंगे और पार्शियल डिसेबिलिटी में एक लाख रुपए मिलेंगे तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं टू एनुअल बेसिस दो लाख रुपए डेथ के, के केस में और फुल डिसेबिलिटी के, के केस में और एक लाख रुपए पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में इसकी जो प्रीमियम है जो हर साल आपको पे करनी होगी वो सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी रुपीज पर एनएम है जो ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगी अगर आप वो फैसिलिटी को यूज करते हैं और इस स्कीम को ऑफर कौन कर रहा है जो आपका जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जो एक पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको ऑफर कर रहा है और सरकार ने ये भी बोला है कि बाकी की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज है इवन प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी वो भी सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती हैं उनको अप्रूवल लेना पड़ेगा सरकार से और अप्रूवल के बाद दे कैन ऑल्सो स्टार्ट सिमिलर स्कीम्स बट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मेनली इस स्कीम को रेगुलेट कर रही है तो चार पांच पॉइंट पॉइंट्स नहीं है मैं एक बार फटाफट से रिपीट कर देता हूं एटीन टू सेवेंटी में आप ले सकते हो एज में फर्स्ट जून टू थर्टी फर्स्ट में इसका पीरियड रहेगा दो लाख रुपए डेथ और फुल डिसेबिलिटी में और एक लाख रुपए पार्शियल डिसेबिलिटी के, के केस में बीस रुपए पर एन की इसकी इंस्टॉल प्रीमियम है जो आपको पे करनी है और जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इसको ऑफर कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ओके सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू योर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना आई होप आपको मजा आया होगा एंड इफ नॉट सब्सक्राइब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो ताकि इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आपको मिलते रहे सो टेक केयर गाइस एंड बाय